तो हाँ जी बेबी, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं आज आइकिया। तो हम आपको आज ले जाएंगे बॉम्बे आइकिया के टूर पे, जो कि कहाँ पर है? नवी मुंबई में। तो हमको बड़ी मेहनत करके और बड़ी मुश्किलों से हमको उसका टोकन मिल जाए। पिछले एक महीने से उसकी ओपनिंग हो गई है टोकन की, बट हम बार ट्राई करते हैं कि वीकेंड मिल जाए, बट वीकेंड मिलता ही नहीं है। सो इस बार हमको वीकेंड मिल गया है, तो हम जा रहे हैं। हमारे संग हमारे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। सो अब देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या मिलता है शॉपिंग करने के लिए, और आपको दिखाएंगे आइकिया कैसा दिखता है। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। बाय। सो आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ राइड फ्रॉम आर प्लेस हम पहुंच चुके हैं आइकिया। अब हम जा रहे हैं पहले सिक्योरिटी चेक से। सो या बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है कोविड सिचुएशन को। बहुत सारा स्टाफ है अरेंजमेंट्स के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके स्क्रीनिंग के लिए, चेक्स के लिए। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द चेक्स, और क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। वो आप आगे चलेंगे तो वी लेट यू नो। और आपका जो टाइम स्लॉट होता है, आपको उस टाइम स्लॉट के हाफ एन आवर पहले वहाँ पहुँचना होता है। और जैसे हमारा टाइम स्लॉट था 12 बजे का, तो हम पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बीच में, क्योंकि वो 12:30 का टाइम स्लॉट है, तो आप 1 बजे तक ही एंटर हो सकते हैं। ये अब हम एंटर हो गए मेन स्टोर के अंदर। ये देखिए, ये है मेन लॉबी। सो यहाँ पे मेन लॉबी में उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वाउचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। सो या आप जब आइकिया में आ रहे हैं तो मेक श्योर आप बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहने, क्योंकि स्टोर इज़ वेरी वेरी बिग और यू विल बी एक्सप्लोरिंग सो मैनी थिंग्स। तो फर्स्ट फ्लोर में पूरा मार्केट प्लेस है, बट हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 से। लेवल 2 में उनका शोरूम है, तो अभी हम लोग लेवल 2 की तरफ जा रहे हैं। ये आगे जा रही है मेरी बीवी और साथ में है जैन साहब। सो यहाँ पे इन्होंने स्टोर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पे उनका कैफेटेरिया है, इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग यू कैन ट्राई दैट आउट। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले में आपके बहुत सारे जनरल स्टफ़, जो हाउसहोल्ड स्टफ्स होते हैं, वो भी लगाए हुए हैं शोरूम सेक्शन में ही। तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो यू कैन जस्ट पिक दैट अप। सो वी आर नाउ फाइनली एंटरिंग इन टू द शोरूम एरिया। तो यहाँ पे उन्होंने आपके लिए डमी इंटीरियर्स सेटअप किए हुए हैं कि आप पर्टिकुलर स्पेस में किस तरह से प्रॉपर इंटीरियर कर सकते हैं, विथ ऑल द डेकोरेटिव्स अवेलेबल। एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दिस मिरर, बट मुझे जिस स्पेस के लिए चाहिए था उस स्पेस के लिए ये बड़ा था। यहाँ पे आपको हर सामान का ऐसे टैग मिलेगा। टैग में जो वो रेड कलर का स्लिप आपको दिखा, यू हैव टू जस्ट टेक फोटोग्राफ ऑफ इट। और यहाँ से आप सामान देख के आप फोटोग्राफ लेके नीचे जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे जाके आपको क्या करना है। तो पहले जो हमने देखा था वो बेडरूम था, यहाँ पे एक लिविंग रूम सेटअप है। यहाँ पे आपको फर्नीचर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब वहाँ पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में मेंशन होते हैं, तो ऐसे क्लोजली देखना पड़ता है आपको कि ये एग्जैक्टली क्या है। द रेंज ऑफ फर्नीचर वॉज वेरी गुड, बट मुझे कुछ कुछ पीसेस थोड़े से ओवर प्राइज लगे। यहाँ पे कैबिनेट्स का भी रेंज बहुत ही अमेजिंग है, एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनी सॉर्ट ऑफ कैबिनेट तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। Thank you.
एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की, आइकिया का जो फर्नीचर रेंज था उसमें बहुत सारे फर्नीचर में स्टोरेज ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। सो यहाँ पे आइकिया ने जो सेटअप किया है वो मुंबई के स्पेसेस को ध्यान में रख के किया है। सो वहाँ पे बहुत आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल विथ स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे सामने एक स्टोरेज के लिए टेबल भी, एक सेंटर टेबल है जिसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं। I have selected this table for my kitchen. ये हमने buy किया था, इसका भी हमने बस यहाँ से photograph लिया था, और photograph लेने के बाद आपको नीचे इसको collect करना है। So यहाँ पे मैं check कर रही हूँ एक artificial plant। And this is the mirror we already have, हमने जो ऑनलाइन IKEA से मंगाया था, right? और मैं अब स्टार बॉक्स खेल रहा हूँ। अच्छा, एक और बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, आइकिया में अभी अगर आगे कहीं दिखेगा तो आई लेट यू नो, येलो कलर के टैग्स होते हैं, तो जो येलो कलर के टैग्स होते हैं वो उनके लोएस्ट प्राइस होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो आपको कहीं पे भी किसी भी काउंटर पे अगर येलो कलर का टैग दिख रहा है तो डू चेक दैट आउट। लाइक दिस, दिस इज़ दी येलो टैग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आपको जहाँ जहाँ येलो टैग दिखें वहाँ से शॉपिंग ज़रूर करिए, बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस में आपको सामान मिल जाएगा। सो ये है किड्स सेक्शन, अगेन ये भी शोरूम एरिया का ही पार्ट था। तो यहाँ पे आपको शोरूम के साथ, जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम भी, कि बहुत सारे सामान अवेलेबल मिलेंगे। तो अब वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम शोरूम एरिया और अब हम जाने वाले हैं मार्केट हॉल में। सो दिस इज द मार्केट हॉल, ये है एकदम अमेजिंग सी जगह जहाँ पे आपको नॉर्मली जैसे मॉल्स में सामान मिलता है वैसे ही आपको सारा सामान मिल जाएगा, डिस्प्ले में अवेलेबल होगा, यू कैन जस्ट पिक वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा सा ट्रॉली ले लिया है और ऊपर मार्केट शोरूम वाले सेक्शन का सामान, अब आई शिफ्ट टू द ट्रॉली एंड वील स्टार्ट विद शॉपिंग। तो यहाँ पे क्रॉकरी एंड बेकवेयर्स का रेंज भी बहुत अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स हमने पिक किए थे, वी आर प्लानिंग टू मेक अ हॉल वीडियो ऑफ एवरीथिंग, सो डू मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें, यू विल गेट एन आइडिया कि वहाँ से किस प्राइस में हमने क्या क्या सामान पिक किया है। तो बस आपको आपकी आंखें जमा के रखनी होती हैं सारे सामान पे, क्योंकि आपको बीच बीच में बहुत ही अच्छी डील्स मिल जाती हैं। सो बस मेरी शॉपिंग यहाँ पे मार्केट हॉल वाली ऑलमोस्ट हो गई है। एंड नाउ आई एम एंटरिंग इनटू सेल्फ सर्विस फर्नीचर एरिया। सो बेसिकली ये वो एरिया है, आपने शोरूम से जो भी पसंद किया था, आपने जिसके भी फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, वो रेड टैग को आपको यहाँ पे आके पिक करना है। रेड टैग में मेंशन होता है कि आप क्या सामान कहाँ से उठा सकते हैं। सो यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम एनी स्टाफ मेंबर, दैट्स व्हाट इवन आई डिड, स्टाफ इज़ वेरी हेल्पिंग एंड कर्टियस।
सो आपको बस बेसिकली जाना है, उन्होंने लेन्स मेंशन किए होते हैं और रैक्स भी मेंशन किए होते हैं, आपको आपके स्पेसिफिक लेन में जाना है, उसके स्पेसिफिक रैक में जाके अपने सामान को पिक कर लेना है। तो इसी के साथ ही हमारी शॉपिंग अब ख़त्म होने वाली है। अब फाइनली हम रैक्स में जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को पिक करने के लिए। सो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, और इसके बाद जो हमारा आने वाला है आईकिया हॉल वीडियो, उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कॉमेंट योर सजेशंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।